Mr. Aman Puri is here. Please. Sir, good evening. We can the mic. Aman Puri, Steadfast se. मेरा क्वेश्चन ये है, एक ऑब्जर्वेशन है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में बढ़ रहा है. 0.33% का ग्रोथ है हर साल, लेकिन बढ़ रहा है. हम क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमने आज बात किया मेंटल हेल्थ के ऊपर, बात किया डिजिटल आईडी, हेल्थ आईडी पे बात किया, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए और क्या क्या कर सकते हैं एज अ गवर्नमेंट, क्या क्या आगे स्टेप्स लिए जाएंगे कि इसको हम इम्प्रूव कर सकें. क्वालिटी ऑफ लाइफ की परिभाषा बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ की डिफिनेशन बदल जाती है. एक व्यक्ति एक गांव के गरीब चौपड़े में बैठा है, उसकी प्राथमिकता क्या है, और एक बंगलों में रहने वाले व्यक्ति की प्राथमिकता क्या है, वो दोनों अलग हो जाती है. लेकिन भी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो NFSS डेटा 5 के मुताबिक मैं देख रहा हूँ, उसका ग्राफ ऑलरेडी देश में बढ़ रहा है. क्योंकि आज भी दूर सुदूर गांव में रहने वाले लोगों के लिए भी अपना घर एश्योर हो गया रहने के लिए, घर में बिजली एश्योर हो गई, घर में टॉयलेट हो गया, फूड सिक्योरिटी के तहत उसको फूड ग्रेन मिल रहा है, चावल मिल रहा है, उसको गेहूं मिल रहा है, तो उससे उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है. तो एक कुल मिला के अपने लाइफ को सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी होता है. वैसा एक बंगले में रहने वाले, सूरत वाले, यहाँ दिल्ली में रहने वाले लोगों की डिमांड और एक्सपेक्टेशन अलग होती है. या आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अमन पुरी टू प्लीज कम हियर, एंड ही इज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ स्टेडफास्ट न्यूट्रिशन. ही विल बी प्रेजेंटिंग अ बुके टू द मिनिस्टर.